गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक है एनिमल टिश्यू का जो पार्ट बक पेंडिंग था वो क्या मस्कुलर टिश्यू। टॉपिक का नाम क्या मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या था? मस्कुलर टिश्यू के अंदर हमें पढ़ा था इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था हमारे शरीर के अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मस्कुलर टिश्यू है जैसे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू दूसरा क्या है स्मूथ स्मूथ या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू और तीसरा क्या है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू तीन पार्ट में इसका स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू इसको क्या बोलते हैं स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू को क्या बोलते हैं अनस्टेटेड मस्कुलर टिश्यू। और कार्डिक मस्कुलर टिश्यू क्या है विसरल मस्कुलर टिश्यू। मतलब क्या इसमें स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू हम क्या बोलते हैं स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इसको क्या अनस्टेटेड अनस्टेटेड मस्कुलर टिश्यू। और इसको क्या बोलते हैं विसरल मस्कुलर मस्कुलर टिश्यू। जो सर्कुलर मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू होगा वो क्या होगा जो बोले हमारी बोन्स के साथ अटैच होता है। कार्डियक मस्कुलर अनस्टेटेड मस्कुलर टिश्यू क्या है जो हमारे विसरल ऑर्गन्स है या कैविटी वाले ऑर्गन्स है उनके साथ है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब पढ़ते हैं इनको पहले स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू से। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू है किसके ऊपर प्रेजेंट होता है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू इट इज प्रेजेंट अपॉन किसके कहां हुआ इट अटैच्ड या इट अटैच्ड अटैच्ड बोन्स क्या हड्डियों के साथ जुड़ा होता है। और ये क्या होता है इसके ऊपर ये होता है यूनिन्यूक्लेट मल्टीन्यूक्लेट मल्टीन्यूक्लेटेड होता है। और क्या होता है अनब्रांच्ड होगा। और क्या होगा इसके ऊपर लाइट एंड डार्क बैंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट इसके ऊपर लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट हो गए। और क्या हुआ ये हुआ इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री इट इज वॉलेंट्री मसल जो होगी इसकी क्या होगी इट्स मसल आर वॉलेंट्री वॉलेंट्री क्या होगी जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी।
अगर इसका डायग्राम देखे किस तरह का होगा, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू का डायग्राम देखेंगे तो हम किस तरह दिखाई देगा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। ये क्या था स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, और क्या मल्टी न्यूक्लिएट होगा, बहुत सारे इसके अंदर क्या न्यूक्लियस होगा, ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, अनब्रांच स्ट्रक्चर से किस तरह दिखाई देगा, ब्रांच होते वैसे, और लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर क्या होगा लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होगे, और वॉलेंट्री होगा जिस तरह की हमारी मसल जो है मतलब बोन्स की, बोन्स के जैसे एंड की बात करें या लेग्स की, ये क्या करेगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, आप भाई जो वॉलेंट्री है वॉलेंट्री अपनी इच्छा के अनुसार जो मसल कार्य जो हम चाहे इस तरह कार्य करेगा, जैसे कि मतलब बाजू के ऊपर करते हैं या लेग्स के ऊपर करते हैं, ये क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगा और क्या है स्केलेटल मसल्स। दूसरा क्या है स्मूथ मसल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मस्कुलर वॉलेंट्री होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है, अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है, और क्या स्ट्रेटेड मसल फाइबर, और इसको एक और बोला था स्ट्रेटेड मसल फाइबर, स्ट्रेटेड मसल फाइबर, स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स हो गए या स्ट्रेटेड मसल होगी, ये इसके ऊपर क्या हो गए और लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट हो गए, ये था स्केलेटल मसल। अब पढ़ते हैं उनका स्मूथ मसल या अनस्ट्रेटेड मसल। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल क्या होगी, दीज आर में क्या है इनका नाम क्या है अनस्ट्रेटेड, दीज आर अनस्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर, अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर हो गए, और क्या दी जा रहे हैं क्या इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री होगा तो क्या होगा हमारी इच्छा के अनुसार कार्य ना करे, अपनी मर्जी से कार्य करे। क्या लाइट और डार्क बैंड क्या हो गए, लाइट एंड डार्क बैंड, डार्क बैंड्स आर अब्सेंट, लाइट और डार्क बैंड हो गए वो क्या हो गए अब्सेंट हो गए, और इसके अंदर क्या होगा इनवॉलेंट्री होगा, मसल फाइबर हो गए किस तरह के अनस्टेटेड मसल फाइबर हो गए, प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स के मतलब किसकी, किसके अंदर जिसके अंदर क्या होलो कैविटी प्रेजेंट हो उसके अंदर हो गई प्रेजेंट होगा, और क्या स्पिंडल इन शेप, स्पिंडल इन शेप होगा, स्पिंडल इन शेप होगा तो अंदर क्या होगा और यूनिन्यूक्लिएट होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा, और क्या होगा बीच से ठीक होगा, और जिससे इसका डायग्राम देखें डायग्राम इस तरह का दिखाई देगा मतलब बेलनाकार की तरह, वैसे ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, और क्या होगा इसके अंदर जो दोनों सिरे होंगे वो क्या होंगे पॉइंटेड होंगे, पॉइंटेड एंड्स, और यूनि न्यूक्लिएट होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा और ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, और प्रेजेंट कहां होगा ये होगा विसरल ऑर्गन्स होंगे जैसे कैविटी वाले ऑर्गन्स है जैसे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन,
प्रेजेंट पावर जैसे स्मॉल इंटरेस्टिंग लीवर और यूट्रस यूट्रस के अंदर और आईरीज आईरीज के अंदर है, स्टोमक के अंदर है, विसल ऑर्गन इस तरह क्या देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाते हैं इस तरह ठीक है कि लार्ज इंटेस्टाइन और इसके अंदर क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे लीवर का डायग्राम है या मतलब क्या होलो ऑर्गन्स है जितने भी इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा और क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करेगा और अपनी मर्जी से करेगा या मतलब इनवॉलेंट्री होगा जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य न कर सकता हो और विसरल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होगा स्पिंडल शेप का होगा लाइट डार्क बैंड है जो अब्सेंट हो गए और क्या और स्पिंडल इन शेप का है यूनिन्यूक्लिएट होगा प्रेजेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर के अंदर यूट्रस के अंदर और आईरीज के अंदर स्टोमक के अंदर जितने भी क्या होलो कैविटी वाले ऑर्गन है जिन सभी के अंदर तीसरा कार्डियक मसल कार्डियक मसल कार्डियक मसल क्या होगी ये मोस्टली किसके अंदर प्रेजेंट होगी इट प्रेजेंट इन हार्ट हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी ये भी क्या होगी इनवॉलेंट्री होगी इनवॉलेंट्री होगी और क्या होगा लाइट डार्क बैंड है वो क्या होगी एब्सेंट होगी एब्सेंट है प्रेजेंट क्या होगा आप क्या होगा यूनिन्यूक्लिएट होगा मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड होगा अगर डायग्राम देखें कार्डियक मसल्स का क्या इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा और ये भी क्या है इनवॉलेंट्री है और प्रेजेंट का होगा आर्ट के अंदर और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आर्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आर्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर ये था मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या था ह्यूमंस बॉडी के अंदर मस्कुलर एनिमल जितने भी उसके अंदर मस्कुलर टिश्यू क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मस्कुलर टिश्यू जैसे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू है जो क्या है मसल बोन से रिलेटेड है बोन के साथ अटैच स्मूथ मस्कुलर टिश्यू है जो होलो ऑर्गन्स है जितने उनसे रिलेटेड है और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है इनके अंदर तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा इसके अंदर क्या ये यूनिन्यूक्लिएट है वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है इस तरह क्या